आपकी खूबसूरती ऐसी नहीं है आस्था जी, जिसे सिर्फ दूर से देखने का दिल करे। आपकी खूबसूरती तो ऐसी है जिसे पाने का दिल करे। आपके लिए तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, आपके कदमों में भी कर सकता है। भाभी कहाँ हैं आप? जल्दी कीजिए, हम लेट हो रहे हैं। भाभी अंदर आ जाइए। देवर जी दरवाजा खुला है। भाभी चलिए जल्दी, ऑफिस के लिए देरी हो रही है। आप तैयार है ना? भी पता ही देवर जी, मैं ठीक लग रही हूँ ना? हाँ अभी वो हम तो मीटिंग के लिए जा रहे थे ना, फिर ये सब। हाँ इसीलिए तो आपसे पूछ रही हूँ, पहली बार ऐसी मीटिंग में जा रही हो ना, और आप तो कई बार गए होंगे, तो आप जैसा बोलेंगे ना मैं बिल्कुल वैसे ही तैयार होंगी। हाँ भाभी ये ठीक है, आप आ जाइए, मैं नीचे आपका वेट करता हूँ। देवर जी सुनिए, सिर्फ ठीक लगने से बात नहीं बनती, जब मैं और आप हम दोनों किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो खास लगना तो जरूरी है ना, इंप्रेशन के लिए। अगर ये ठीक नहीं लगता तो मैं आप भी चेंज कर लेती हूँ। नहीं नहीं भाभी, चेंज करने का टाइम नहीं है हमारे पास, आप चलिए। देवर जी अगर थोड़ा देर भी हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, इम्प्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए ना। आप नीचे चलिए, मैं गाड़ी निकालता हूँ। देवर जी होठों से तो कह दिया लेकिन आंखों से नहीं कह पाए, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल से। अब आपकी भाभी हर दिन खास लगने वाली सिर्फ आपके लिए। भैया कुछ जेरोक्स करवाने थे और एक ग्लू की बोतल। अरे हमें घर साथ ले चलो। चिपकने के लिए ग्लू की जरूरत देनी पड़ेगी। ओए कैसी बात कर रहे हो, ये शरीफों का मोहल्ला है, चलो जाओ यहाँ से। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर ये शरीफों का मोहल्ला है तो ये मैडम जी यहाँ क्या कर रही है? भाई इनकी शराफत के चर्चे तो इस मोहल्ले में नहीं बल्कि पूरे लाजपत नगर को पता है। क्यों सबने इनका MMS देखा? वैसे दिव्यानी जी अगर MMS बनाने का इतना ही शौक था तो हमें बता दिया होता। भाई नील ने तो सिर्फ किस किया था। अरे भाई हम होते तो थोड़े से और मिर्च मसाले लगा लेते। दो चाटे
और मारेंगे। अगली बार तुमने हमारे सामने आकर बदतमीजी करने की कोशिश की ना, तो तुम जैसे जानवरों को इंसान बनाना अच्छी तरीके से आता है। सुना नहीं तुमने अंकल ने क्या कहा? ये शरीफों का इलाका, यहाँ ना तुम जैसे घटिया लोग सूट नहीं करते, तो यहाँ से दफा हो जाओ। और अगर अगली बार यहाँ दिखने की कोशिश की ना, तो उसी वक्त पुलिस को फोन लगाएंगे, याद रखना। जब रजत छोटा था ना और मैं व्रत रखती थी, तो वो मुझे कहता था, मॉम कुछ खा लो, कोई नहीं देख रहा। अब शायद उसे पता ही ना चले कि मैंने व्रत रखा। अरे तुम, मम्मी जी ने जो कहा उसके बारे में सोच रहा है ना रजत, सुलह क्यों नहीं कर लेते? अरे क्या यार, तुम भी, तुम्हें पता भी है मैं क्या सोच रहा था? मैं तो ये सोच रहा था कि दिव्यानी की प्रेजेंटेशन कैसी गई। कैसी गई? अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, सब लोग उससे बहुत इंप्रेस हुए। देखा, तुम बेकार में टेंशन ले रही थी। मैंने कहा था ना कि वो इतनी इंप्रेसिव है कि कोई भी उसे देखकर ही इंप्रेस हो जाए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना उसे? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। गुड। वैसे काफी लेट हो गया, चलो नीचे चलते। आप चलिए, हम बस ये कपड़े लेकर आते हैं। जल्दी आना। जी। आज बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि इतने दिनों से जो आपके और मम्मी जी के बीच में लड़ाई चल रही है, वो शायद खत्म हो जाएगी। अगर नील के बारे में बताएंगे तो कहीं ये लड़ाई और लंबी ना हो जाए। काश काश अब नील कोई और बेवकूफी ना करे। आपका काम मुझे बहुत अच्छा लगा मिस्टर रोहन, और मैंने फैसला किया है कि मेरे गेस्ट हाउस में जो भी सामान आएगा वो आपकी दुकान से आएगा। समझ लीजिए ये डील पक्की। थैंक यू सो मच। कांग्रेट्स भाभी। कांग्रेचुलेशंस टू यू टू। रेखा देवर जी, आप इतने इंटेलिजेंट और प्यारे हैं, किसी का भी दिल करेगा आपके साथ डील करने के लिए। मैं होती तो कुछ नहीं हो पाता। क्या भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप होती ना तो भी डील हो ही जाती। सच में? बिल्कुल। फिलहाल तो ये डील आपकी वजह से हुआ है, और हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। क्यों ना हम डिनर के लिए चले? आपके आने के बाद ये हमारी पहली बिग डील है। अब सॉरी भाभी, पर अलका जी हम दोनों घर पे वेट कर रही होंगी ना, उन्होंने खाना भी बना लिया होगा, अगर हम नहीं जाएंगे तो उन्हें बुरा लग जाएगा। हाँ, अब ठीक कह रहे हो। I'm so sorry। इतने दिनों बाद घर से बाहर निकली ना, तो और दिल कर रहा था कि कुछ देर और घर से बाहर रहूं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं आपको अलका से दूर रखूं। कोई बात नहीं, किसी और दिन चली जाऊंगी। लेकिन किसके साथ जाऊंगी? कौन ले जाएगा मुझे? बिल्कुल अकेली रह गई हूं मैं, और वो मेरी प्रॉब्लम है। चलिए रोन, घर चलते हैं।
भाभी जी कहिए। I'm sorry भाभी, पर आप एकदम सही कह रही थी। मैं और अलका जी हम दोनों में इतना बिजी रहते हैं कि हम देख ही नहीं पाए कि कभी कभी आपका भी घर से बाहर निकलने का मन करता होगा। चलिए डिनर पे चलते। लेकिन अलका, अलका जी की चिंता आप मत कीजिए, आप चलिए, मैं गाड़ी निकालता हूँ। हमारी कहानी में सिर्फ गलत नहीं हुआ, कुछ सही चीजें भी हुई। और सही चीज ये है कि अपने शादी वाले दिन हमने उस लड़के से शादी करने से मना कर दिया। इतनी भी मत पियो मेरे देवदास, बर्दाश्त ना कर पाओ। तू यहाँ क्या कर रहा है? अगर तू किसी डेयरी में जाएगा ना तो वहां तुझे तुझ जैसे बच्चे मिलेंगे, दूध पीने वाले। और यहाँ यहाँ पे मेरे जैसे लोग आते हैं। हार्ड ड्रिंक है, इसे बचाना हर किसी के बस की बात नहीं है। और वैसे भी ये तो मेरा अड्डा है। बात रही तेरी, जिस दिन से तुझे देवयानी ने देवदास बना दिया ना, उसी दिन से तेरा खाता यहाँ पे खुल गया। पता था मुझे तू यहाँ जरूर आएगा। मेरा दिमाग मत खराब कर, ना किसी और का गुस्सा तेरे ऊपर निकल जाए। गुस्सा? किसका गुस्सा? देवयानी का? तेरे मुंह पे चाटा मारा था इसलिए? अरे भाई, पूरे लाजपत नगर को पता है किस किस पे गुस्सा निकाल पता। बेटा, एक लाज मेरे लिए और एक रिपीट भाई के लिए। चिंता मत कर यार, मैं तो पहले से ही देवयानी से नफरत करने वालों की लाइन में शामिल था। अच्छा है कि अब तू भी उसमें शामिल हो गया। उसने एक चांटा मुझे भी मारा था। दोनों मिलके बदला लेंगे यार। कुछ ऐसा करेंगे कि वो जिंदगी भर उस दिन को कोसे जिस दिन उसने हमें चांटा मारा। अच्छा। मैं अपने पंगे खुद सॉल्व करता हूँ, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, समझा? अरे पता है तुझे मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन साथ में मिलके मजे तो ले सकते हैं ना। साथ में बुराई करेंगे, साथ में उसे पाठ पढ़ाएंगे। अब अगर दोनों का बदला है तो साथ में मिलके तो लेना ही पड़ेगा ना। प्रॉब्लम तो है, इतना ईगो, इतना एटीट्यूड, इतनी बदतमीजी तुम उससे ऐसे करती है जैसे कि उसने मेरे बाप से मुझे खरीद रखा है। पहले शादी में मेरी इज्जत उतार दी और आज मेरे ही घर में मेरी इज्जत का। चिल नील भाई चिल, एक बार हम जीत गए ना तो उसकी अकड़ खुद पे खुद टूट जाएगी।
तेरी इज्जत अपने आप बन जाएगी। क्या कहता है? इस बार उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मुश्किल होगी। उसका ऐसा हाल करेंगे कि ना तो वो अपने घर में रह पाएगी और ना ही अपने घर से बाहर निकल पाएगी। उससे ऐसा बदला लेंगे कि जिंदगी भर वो ये सब भूल नहीं पाएगी, नहीं भूल पाएगी। बेटा नील, इस बार करूंगा मैं और फंसेगा तू। नील, तेरी हालत टाइट है, तूने बहुत पी रखी है। चल मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चला जाऊँ। अरे अरे, बोला तो तुझसे जा नहीं रहा, तू बाइक क्या चलाएगा? देख, मैं कह रहा हूँ, मैं तुझे अपनी कार में छोड़ देता हूँ, चल। मैंने तुझे मारा, तुझे पीटा, तुझे गालियां तक दी, फिर भी तू मेरे साथ। कौन सी यार? माय बेस्ट फ्रेंड। ठीक हूँ मैं। अरे सर, आप अंदर जाइए, मैं देख लेता हूँ इनको। बट आर यू श्योर? वो डोंट वरी सर, आई विल मैनेज, प्लीज। सर, एनी हेल्प सर? नो, विल मैनेज, थैंक यू, चलो। ओके सर। यस प्लीज। मैंने टेबल बुक की थी रोहन पांडे के नाम से। जस्ट अ मिनट। यस, मिस्टर एंड मिसेस रोहन पांडे। This way, please. Hey, Bob. Hey. देखो, मैडम और सर का अच्छे से ध्यान रखना। ये हमारे स्पेशल गेस्ट है, समझे? Have a nice time. काफी अच्छी जगह है ये। आप यहाँ पे पहले भी आए हो? नहीं भाभी, वो अलका जी कभी आई नहीं है ना इससे पहले। किसी और के साथ शादी से पहले? अभी आप भी ना। सर, आप कुछ ड्रिंक्स लेना चाहेंगे? नहीं, सिर्फ डिनर करेंगे हम, जितनी जल्दी हो सके ले आएंगे। ओके सर। मैम, देवर जी, अगर आप यहाँ पे एंजॉय नहीं कर रहे हो और सिर्फ मेरी खुशी के लिए यहाँ पे बैठे हो तो घर चलते, मुझे बुरा नहीं लगेगा। नहीं भाभी, ऐसी कोई कजी, कहाँ रह गई थी आप? इतना टाइम क्यों लग गया आपको आने में? रोहन जी, दिल्ली का ट्रैफिक तो आप जानते ही है ना, आगे बढ़ ही नहीं रहा था। अच्छा चलिए, अब हम आ गए ना, हमें बहुत भूख लग रही है, कुछ ऑर्डर करते हैं। हाँ हाँ, चलिए तो शुरू करते हैं। लाई भाभी, लाई। भाभी, हम दोनों के लिए ऑर्डर कर लेते हैं, फिर रोहन जी आप भी अपने लिए ऑर्डर कर लेना। वैसे आप तो अपना फेवरेट ही खाएंगे, पालक पनीर और बटर नान। और मुझे क्या खाना है वो मुझे भी नहीं पता, तो किसी और को क्या पता होगा? देखो कितना प्यार है, भूल ही गए कि कोई दुखी आत्मा इनके साथ भी आई है।